पुत्र तेरे कुंडली में दो पुत्रों का योग है, आप भी समझ ले। हाँ शुरुआत करेंगे मैं और तू, तभी तो होगा दूसरा। उसके लिए पहाड़ों पे जाना पड़ेगा। अच्छा खुली वादियों में दिन के टाइम में। अच्छा दूसरा पुत्र तभी होगी तरक्की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज आपके भाभी के ऊपर तगड़ा प्रैंक होने वाला है। जैसा कि टाइटल पता चल गया होगा, मेरी कुंडली में दो पुत्रों का योग है। दोस्तों आज मजा आने वाला है और आपकी भाभी का रिएक्शन देखने लायक होगा। कसम से दोस्तों, आपकी भाभी ना उस घर में अभी डिनर बना रही है। तो चलिए करते हैं आपके भाभी का इंतजार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ खाना बन गया, चलो खा लो। बन गया खाना? हाँ। अरे बड़े जल्दी बना ली तूने तो आज खाना, क्या बात है। जल्दी, आधा पौना घंटा हो गया। अबे इधर तो आ, तेरे से बातें करनी है कुछ। हाँ। बैठ तो सही यार, अभी बैठती थी हमारे पास दो मिनट के लिए। हाँ, हाँ। मैं तो दूसरी दुनिया में रहती ना, बैठती थी। सिर्फ खाना बनाना है, घर की सफाई करनी है, और तो कुछ करना नहीं है। आपको और क्या करवाना है? आज मैं पते की बात बता रहा हूँ कुछ मुझे। हाँ जिससे तरक्की हो हमारी। पता है ना तेरे को, हर बुधवार को मंदिर पे जाता हूँ मैं। एक नए नए बाबा आया वहाँ पे, पंडित जी। बिल्कुल में? हाँ ये हमारे गली में। हाँ नए नए आए हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि यज्ञ होने वाला है यहाँ पे, तो सब अपने हाथ दिखा रहे थे, ठीक है ना। मैंने भी दिखाया अपना हाथ, और मेरा हाथ देख के ना बता दो क्या बोल रहे हैं। पुत्र तेरे कुंडली में दो पुत्रों का योग है। आप तू समझ ले। हाँ दिमाग ठीक है, निश्चल काफी है। क्या निश्चल काफी है यार? अरे तो वो बोल रहा है एक ही बेटा आपके में दो पुत्र का योग कहाँ से हो गया? अबे तो जब कोशिश करेंगे तभी तो होगा। बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं तो हमें तो पढ़ना ही नहीं है, तो फिर कहाँ से हो गया आपके दो पुत्र? हमारा तो एक ही है निश्चल। अबे निश्चल है तो आगे नहीं हो सकता क्या? बोला जब तुम्हारे दो पुत्र होंगे ना तभी तुम्हारी तरक्की होगी, ऐसे नहीं होने वाली है तरक्की, ठीक है ना। फिर तुम देखना दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे तुम। ये फालतू की बकवास करने के लिए बैठा है मेरे साथ? अबे क्या फालतू की बकवास यार, चुपचाप खाना खाओ ठीक है ना, और टाइम पास मारते रहते हो बैठे रहते। अबे यार उसमें क्या दे रही है, कौन सा पंडित मिली है तुम्हें? हाथ दिखाने के लिए यार। और ऐसे भी ना, जब शुरुआत करेंगे मैं और तू तभी तो होगा दूसरा। प्यारी समझ गई। ये लगेगा ना? क्या लगेगा ना यार, हाथों में जाकर खाना खाओ। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तुम बैठो तो सही यार। मेरे को हद हो गई यार, अबे इधर तो आओ। हद हो गई यार। हाँ बाबा जी। हाँ हाँ अच्छा, उसके लिए पहाड़ों पे जाना पड़ेगा। अच्छा खुली वादियों में दिन के टाइम में। अच्छा दूसरा पुत्र तभी होगी तरक्की। अच्छा चलो ठीक है, हाँ जरूर तरक्की हो जाएगी ना पक्का। हाँ बाबा जी। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल मना लूंगा वो मेरी बात। अरे मैया तू तो देख लियो। अच्छा जी ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी देर में करता हूँ फोन। अबे तू कहाँ से आ गई? अब उस पंडित का नंबर भी लेके आए यार। देख तू अगर नहीं मानती दो पुत्रों का योग है तो तू बता, ठीक है ना। फिर नेहा से हम दूसरी शादी रचाएंगे, अभी दूसरा पुत्र होगा यार, क्योंकि मेरे को तरक्की चाहिए। नेहा कौन आ गई मेरे को ये बताना चाहिए। तुम दूसरा तुम, या तो तुम तैयार हो जाओ यार। यार जब मैं और तू रोटी खा सकते हैं, निश्चल खा सकता है, दूसरा बच्चा भी खा लेगा रोटी, क्या दिक्कत है? अब तू देखी तरक्की, यानी आप घूमने जाओगे, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, खाना मिलेगा। मैं नहीं बोलती, हमारा निश्चल रह गए, जॉब क्या करोगे बताओ। अबे ये कौन सी बात होती है यार, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया पहले मेरे को ये बता तो दो, क्या हो गया तुम्हें? मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने तो पहले हम दोनों ने बोला था हमारा एक ही बच्चा रहेगा, चाहे बेटा हो बेटी हो। फिर तुम्हें क्यों इतनी, तुम्हारा कोई इरादा नहीं है? नहीं मेरा तो कोई। अरे यार 6-7 साल हो गए यार, तो क्या करूँ नाचू? ऐसे भी निश्चल 6 साल का हो गया, पता नहीं 7 साल का हो गया, मेरे को तो याद ही नहीं है। चलता क्या है तुम्हारे दिमाग में? मेरे दिमाग में यही तो चल रहा है यार, 2 ग्राम के दिमाग में पता नहीं क्या क्या दौड़ होते हैं। पता नहीं कहाँ से आए, पहाड़ों से आए वो। अच्छा? पंडित जी स्पेशल तुम्हें भाषण देने के लिए, पुत्र तुम्हें दो पुत्रों का योग है। हाँ हिमालय से स्पेशल इनके लिए, इन महाराज के लिए बोल रहे थे। वो जो तुम्हारी जो बीवी है वो अगर नहीं मानेगी तो आप दूसरों पुत्रों का योग शायद दूसरी शादी में लिखा हुआ है आपका, तो शायद दूसरी शादी। हाँ ये चप्पल दिख रही है,
गजब बेइज्जती है। क्या चप्पल दिख रही है? हमेशा चप्पल दिखाते रहते हो, पते की बात बता रहा हूँ करके तो देखो तुम्हारे मुंह पे, और जो तुम्हारी जो नई 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 नवेली दुल्हन आएगी ना उसके मुंह पे चप्पल बजेंगी दोनों। क्या चप्पल बजेगी यार, हमेशा चप्पल बजाते रहते हो। क्या सोचते रहते तुम अपने आप में, हीरो की क्या बात है? और वो बाबा कौन सी हिमालय की चोटी से उतर के आके तुम्हें भाषण देने के लिए आया था? अबे यार सब हाथ दिखा रहे थे यार। नहीं वैसे तो मेरे को बड़े भाषण देते, मैं किसी पंडित में नहीं मानता, तो कहां तुम बैठ गए यहां पे? अबे तुम एक मिनट शांत रहो। अब तुम देखो निश्चल अकेला अकेला रहता है, अब कोई उसका भाई या बहन रहेगा ना, मेरे साथ रहता है, स्कूल में जाता है ना। तुम्हारा कोई इरादा नहीं है क्या? नहीं मेरा तो कोई दूसरा बेबी का नहीं, तुम्हारे इरादे कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं मेरे को। अबे तो कमाते हम है। अच्छा जब हम परवरिश कर सकते हैं निश्चल की, तो यार दूसरा का भी हो सकता है यार। कुछ ज्यादा ही पागल वाली हरकत। मैं पागल वाली बात नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बात बता रहा हूँ, मेरी बातों को समझा करो। अबे मुझे खाना नहीं खाना है यार, तुम बाबा जी के गुणगान करने में लगे हुए यहाँ पे। सच्चाई की बातें बोल रहे हैं यार, बाबा जी के भक्त यार। तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी बोल रहे, तुम्हारी ऑफिस में तरक्की हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है आपकी बात मान ली, ठीक है आपने दूसरा बच्चा कर लिया, आपका एक और निश्चल एक और पुत्र हो गया। पहली बात तो कोई गारंटी नहीं है कि उस बाबा के बोलने पे पुत्र ही होगा, ठीक है। पर चलो मान लो बेटा हो बेटी सब एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है मान लिया आपको बेटा हो बेटे कुछ भी हो, मैं बोल जल्दी से यार बोलेगी नहीं, ये बोल रही हूँ मान लो। उसके बाद आपकी कुछ तरक्की नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तब क्या करो? क्या होगा? निश्चल दो भाई हो जाएगा या दो भाई बहन हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है ना। और क्या हम तीन से चार हो जाएंगे? हम दो हमारे दो। इस दिमाग में तुम भर के क्या गोबर भर रहे हो यार? मेरे दिमाग में कोई गोबर नहीं भरा हुआ, तुम्हारे दिमाग में तो तेरे भरा हुआ है गोबर, जो तो कुछ सोचती नहीं है। मेरे दिमाग में गोबर वैसे भी तेरी मम्मी बोल रही थी बेटा दूसरे के बारे में कुछ प्लान है तुम्हारा, कल ही फोन आया था। अच्छा मैंने बोला मैं क्या बोलूं सासू माँ, अपनी बिटिया से जो पूछो। हमारी माँ ने हमसे तो बोले नहीं, पता नहीं किसी ने बुरी आदमी से बकवास कर ली, सर पे चढ़ी रहती है हमेशा, कभी कुछ तो बोल दिया। हमारे सर में कौन सी चढ़ गई, कौन सी चढ़ गई, इतना मार क्यों रही है यार हमेशा? यार बात बता रहा हूँ, तरक्की नहीं चाहिए, लेकर चलना मेरे को उस बाबा के पास। ठीक है तो हमेशा रह 1 BHK बड़ा सा फ्लैट में रहना नहीं है। अबे यार हद हो गई यार, कभी चप्पल जूते खाए भी नहीं, रहना नहीं है। अबे यार ज्यादा दिमाग मत खराब कर यार। अच्छा ठीक है मैं अपने कानों से, तभी जब मैं अब तक अपने कानों से नहीं सुनूंगी मैं बिलीव नहीं करूंगी। चल ठीक है चलते हैं बाबा से मिलने। चलो लेके चलेगी पक्का, पक्का चलो, लेकिन बाबा बोल देंगे तो सच्चाई है ना, फिर पहाड़ों पे जाना पड़ेगा। पहाड़ों पे तुम्हारी बारात ना चाहिए वहाँ पे, तो एक बार हनीमून के लिए गए थे, दूसरी बार और चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? सकल है तुम्हारी, बुढ़े आदमी 8 साल पहले गए थे। अबे बुढ़े हो कैसे, कहाँ से बुढ़े दिख रहे हैं? तो जवान भी नहीं हूँ। नेहा तो हमेशा ऐसी जवान बोलती है हमें, ठीक है। तुम नेहा के पास कितने बैठ बैठ के आते हो? ऐसे भी ना तेरे कुछ नहीं यार, नहीं बोल लो। अबे ऐसे भी ना 4 सेटिंग है तेरे यार की मोहल्ले में तुम्हारी, ठीक है ना। हाँ अच्छा तो जब से वेट लॉस किया ना, दो कुत्ते और दो बिल्ली, ये सेटिंग है ना, दो और सेटिंग बढ़ गई हमारी जब से वेट लॉस किया है, ठीक है ना। ऐसे घूमते हैं सब, अरे मैया क्या बात है, हीरो आ गया अपना, सिक्स पैक ऐप दिखा दो। जो 4 सेटिंग है ना उनमें से 2 कुत्ते हैं 2 बिल्ली जो तुम्हारे आगे पीछे घूम। अरे तू मेरे को एक बात बता, मैं सही बता रहा हूँ, तू मान ले तो मान ले, नहीं तो भैया मैं दूसरी शादी रचाने जाऊंगा मैं। अच्छा खाना नहीं खाने इसलिए तुम मेरा दिमाग खा रहे हो, इसलिए चुपचाप चढ़ खाना खा लो और तुम्हें जो करना कर लो। दूसरी शादी करने का शौक है, हिमालय की चोटी पे बैठ के शादी कर लेना, अभी खाना ठूस लो चल के नहीं जाना। अबे यार खाना तो खाना ही है, मैं तो प्रैंक कर रहा था, सोच रहा था कि डिनर से पहले कोई प्रैंक हो जाए, इसलिए कैमरा मैंने छुपा रखा यार वहाँ पे। तुम पागल हो, मैं तुम्हें यहाँ पे खाना खा के बुला के ले, वो देखो प्रैंक चल रहा है। मैंने सोचा था कैमरा रुक तो नहीं गया, लेकिन कैमरा चालू है और ये मैया प्रैंक मेरा ध्यान भी नहीं गया उस एक नंबर के पागल आदमी। क्या पागल मैं तुम्हें खाना खाने के लिए बुला के लेके आई, तू प्रैंक कर रहा है? हकीकत की बातें बता रहा हूं, तुम लोगों को लग रही है कि वो झूठी बातें हैं, यानी कि तुम तो झूठी बोल रहे थे बाबा वाली। मैं तो झूठी बोल रहा हूं अभी तो, ओए इस पे तो एक फिक्स पड़ गया, कौन सा पंडित आ गया हिमालय की चोटी से इस पागल आदमी को भाषण देने के लिए। अबे यार तू जा खाना लगा जल्दी, खाना खाना खाओ नहीं तो भूखे रहो, गाजर का हलवा गरम कर दियो, ठीक है ना। दो फड़ वाली तुम्हारी भाभी नाराज हो गई, लेकिन दोस्तों मजा आ गया आज उसका रिएक्शन देख के कसम से दोस्तों। तो कैसा लगा प्रैंक प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।